बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये बड़ी बात है, कुछ देर पहले अपने घर से निकले दिल्ली से, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। मतलब साफ है, अब आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने जा रही है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं तो मतलब ये हुआ कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और अगर वो जाते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, क्या खबर है, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब ये क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात की बस साफ बता दी है कि कांग्रेस के अंदर दो साल होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और एक बड़ी चीज ये है कि 18 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो शामिल होंगे, लेकिन ये सभी विधायक जो है अब से कुछ देर में बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां से अपना इस्तीफा जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेज देंगे और साथ ही साथ गवर्नर को भेज देंगे, और उसके बाद जो है कांग्रेस की स्ट्रेंथ घटकर जो है वो कम हो जाएगी, और बीजेपी की तरफ से ये मांग की जाएगी गवर्नर से मुलाकात करके। सही, ये बात मैं कल रात से कह रहा हूँ कि आज गवर्नर से मुलाकात करके बीजेपी ये कह देगी कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है, और वो बहुमत सिद्ध करे फ्लोर के ऊपर आके तो कमलनाथ के लिए बहुत मुश्किल है, और अब संकट नहीं है ये कह सकते हैं कि लगभग अब कमलनाथ के हाथ से जो है वो बाजी निकल चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखने की बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे, और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिस पर राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी, और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल भी होंगे और उनको बीजेपी मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवार भी बनाएगी, यानी कि उनको केंद्र के अंदर मंत्री पद से नवाजा जाएगा। याद कीजिए, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा के चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको राज्यसभा भी दी गई थी और साथ ही साथ केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया था, और चौधरी वीरेंद्र सिंह 4.5 साल तक मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे। हाल में उनके बेटे जो है वो सांसद है और उनकी पत्नी जो है वो विधायक थी, लेकिन पिछले हरियाणा चुनाव के अंदर वो हार गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े खेमे के साथ जो है टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि इस बार का होली मिलन का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही खुशनुमा होगा। क्या हिमांशु, हम ये कह सकते हैं कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में राज्यसभा मंत्री बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार? बिल्कुल, ये तीनों चीजें होने जा रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कल से मैं कह रहा हूँ कि आज विधायक दल की बैठक होगी जिसमें गोपाल भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आज शाम को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है मध्य प्रदेश से, और अगला जो कैबिनेट रिशफल होगा, जो संसद मौजूदा बजट सत्र है इसके बाद जब कैबिनेट रिशफल होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की बर्थ मिलेगी। और याद कीजिए, 2014 तक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए सरकार के अंदर कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन वो कुल विरोधी कैबिनेट नहीं थे, उनके पास स्वतंत्र प्रभार था, और अब की बार ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उनको बीजेपी शामिल होने के अंदर उनको जो पुरस्कार मिलेगा वो कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा। कैसे ये तय हुआ, क्या इतनी ज्यादा खटास हो गई थी हिमांशु कमलनाथ ज्योतिरादित्य के बीच, या कमलनाथ और दिग्विजय एक तरफ हो गए थे और ज्योतिरादित्य बिल्कुल किनारे लग गए थे, या अब और क्या उम्मीद करें इस वक्त जब वो पहुंच गए खुद गाड़ी ड्राइव करके अपनी? एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, याद कीजिए जब नतीजे आए थे और आप भी भोपाल के अंदर थे, और जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही थी, और उसके बाद ज्योतिरादित्य जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस भवन में एंटर किए थे उसे साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं थे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने से, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी के कहने पर वो मान जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद ना उनकी सुनी गई, ना उनके विधायकों की, ना उनके मंत्रियों की सरकार के अंदर सुनी जाती थी, और ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार ये कह चुके थे, और ये खटास बढ़ती चली गई। पिछले 12 दिन का अगर घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस के 8 विधायक जो है वो हरियाणा आए थे, और उसके बाद 6 विधायकों को कांग्रेस ले गई थी, लेकिन अब जब
17 विधायक कांग्रेस से टूट कर बैंगलोर जा चुके हैं और 2 विधायक पहले से बैंगलोर में मौजूद है और इस पूरे ऑपरेशन की कमान जो है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की देखरेख में देखी जा रही है और अमित शाह का पूरी इस सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलकर। तो एक बड़ी चीज ये कह सकते हैं कि इस बार की होली बीजेपी की जो है बहुत खूबसूरत रहने वाली है और बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर जो है आज शाम को मिल जाएगी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होंगे। हिमांशु कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, आपसे और बात करेंगे कि किस तरह से अब अल्पमत में आएगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और उसके संवैधानिक पहलू क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले तो घर के बाहर मौजूद थे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच दिल्ली में जो हलचल हो रही है उसका एक केंद्र प्रधानमंत्री का ये आवास है जहां मैं खड़ा हूं। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का वो नेता जो पार्टी से बगावत कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है उसके सूत्रधार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या अब सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या कमलनाथ की सरकार को खतरा है, क्योंकि इस होली में जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसका केंद्र दिल्ली ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले, कहा जा रहा है कि सीधे वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। आपको ये बताऊं कि जब मैंने उन्हें देखा घर से निकलते हुए तब वो गाड़ी खुद चला रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे, वहां से उनकी गाड़ी आगे नहीं आई है, सिर्फ अमित शाह का काफिला आया और वो गृह मंत्री के साथ खुद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। और जिस समय मैं यहां पर खड़ा हूं इस समय वो मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात के बाद क्या होगा वो तस्वीर जब सामने आएगी तब दूसरी तस्वीर साफ होगी कि आगे मध्य प्रदेश का राजनीतिक नतीजा क्या होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर सत्येंद्र भाटी के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, अमित शाह उनके साथ हैं। राहुल श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अब ये तय आधिकारिक घोषणा से पहले आप और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गई? देखिए सही, सबसे बड़ी चीज जो हमने पहले भी बात कर रहे थे कि जो पहले मीटिंग हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री की, वो मीटिंग रात के अंधेरों में होती है, उसका मतलब था कि कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं, एक लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। लेकिन ये जो मीटिंग है ये औपचारिक मीटिंग है, ये साफ है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं, वो पाला बदल चुके हैं। उनका पाला बदलने का एक और मायना है कि जो विधायक उनके लॉयल हैं, उनके साथ हैं और बैंगलोर में विरोध जता रहे हैं वो भी अब वही करेंगे जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी का प्लान है कि वो इस्तीफे देंगे, तो हमने जैसे पहले कहा था कि आज शाम तक बीजेपी की जो मीटिंग है विधायकों की और सांसदों की, उससे पहले शायद उनके इस्तीफे स्पीकर के पास होंगे। यानी घटनाक्रम यहां से जाएगा कि करीब 20 के करीब, अभी ये बीजेपी कह रही है, कमलनाथ और कांग्रेस इसको डिनाई कर रही है, नंबर कम बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नंबर घटने वाले हैं। कांग्रेस के नंबर घटने पे कमलनाथ को या तो इस्तीफा देना होगा या उनको हाउस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होगी। यहाँ पे गवर्नर हम आपको रोक रहे हैं बीच में कुछ देर के लिए, लेकिन रविश बाल सिंह भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, कांग्रेस की सरकार अब संकट में नहीं बल्कि लगभग ये तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।